मजहबी स्कॉलर राजा ज़िया साहब, आपसे हमारी एक बहुत ही सिंपल सी रिक्वेस्ट है, जब भी बात करते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या करें। स्कॉलर बैठे हैं रिलीजियस के, आजकल जो ट्रेंड सेट हो रहा है लिबास के, खवातीन का लिबास से दुपट्टा गायब हो रहा है, इज इट ओके? अगर नहीं है तो फिर ये लोग क्यों इस बात पे आवाम को गाइड करें, या एटलीस्ट फैशन डिजाइनर को गाइड करें किस किस्म का ट्रेंड सेट ना करें। जैसे आप भी बैठी हुई हैं, आप बगैर दुपट्टे के बैठी हुई हैं। हाँ जी, मैं पूछ लेती हूँ इनसे। नहीं, मैं पूछ लेती हूँ इनसे, अब दुपट्टे का भी जो अहमियत है वो कहाँ तक है? क्या कई लोग ऐसे होते हैं जो जाहिरी तौर पे काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे हो सकता है दुपट्टा भी लिया हो सकता है कि अबाया हो, लेकिन अंदर उनका मामला काफी खराब हो, ठीक है, इनको भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। हो सकता है अंदर से आप अच्छे हो, बाहर से आपने अभी नहीं किया, तो यहाँ पे भी इम्प्रूवमेंट है। सो हर बंदा जो है, वैसे दुपट्टे को आप वैसे किस तरह देखते हैं? क्योंकि अब अगर मैं आपको दो मिसालें दूं कि एक खातून है जिसने कि दुपट्टा लिया हुआ है और कपड़े उसने बड़े टाइट पहने, वो ऐसे ही पहने हैं कि जैसे तकरीबन वो नजर आ रही है, और दूसरी एक खातून है जिसने कि दुपट्टा नहीं पहना लेकिन उसका कुर्ता खुला है, या जिस तरह हम देखते हैं कुछ हमारे डिजाइनर्स ऐसे हैं जिनके बड़े अच्छे कुर्ते आए हुए होते हैं, उनको भी तारीफ करनी चाहिए उनकी। तो अब ये दोनों खवातीन को आप किस तरह से उनको रखेंगे? देखिए, क्योंकि दुपट्टा पाकिस्तान में तो ये मैंने देखा है कि दुपट्टा नहीं पहना हुआ, दुपट्टे को कल्चर से ज्यादा लिंक कर दिया है, ये नहीं देखेंगे कि दुपट्टा था क्यों पहनने के लिए, क्यों इधर उधर घुमाते हैं। बात बिल्कुल आपने सही स्टार्ट की, बीच में तो आपने कुछ यहाँ वहाँ की बातें की जिसकी वजह से हम जैसे लोग जब आपको सुनते हैं तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, और जब आपके पोस्ट पर, आपके वीडियोस पर कमेंट्स हम देखते हैं तो हम फिर ये मान जाते हैं और ये यकीन कर लेते हैं कि बिल्कुल कन्फ्यूजन आप क्रिएट करते हैं। बात बिल्कुल सही थी, क्वेश्चन किया कॉलर ने तो उसका जवाब अपने सिर्फ दो टोक अल्फाज में देना था कि भाई पर्दा है, बस ख़त्म, सिंपल। वो जो आपने पहले कोट की ना, उदखुल फिस्सिल मिकाफा, वही बात कहते हैं कि बस पर्दा है, सिंपल, आपने अपने आप को ढकना है, औरत की मत कर रहे हैं, तो बस सिंपल, जो अकॉर्डिंग टू इस्लाम है वो बातें हमने करनी थी कि बस ढकना है। या भी यहाँ वहाँ के लॉजिक्स, ये बातें जब आप करते हैं थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट होती हैं, वो कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं कर रहे, सिंपल सी बात है। आफ्टर ऑल द बेस्ट आप लोग कर रहे हैं, जो यूथ क्लब हैं, दैट इज़ ऑसम, आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरी स्टेप, थैंक यू ऑल।